हेलो एवरीवन, इट्स मी कार्तिक निहाल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। और आज मैं आ रखा हूँ धनोल्टी साइड, यहाँ पर स्नोफॉल देखने। तो अभी यहाँ पर ऐसे धूप लगी हुई है, तभी धूप कभी वैसा। तो अभी चलते हैं हम और दिखाते हैं आपको यहाँ का, एक छोटा सा अपडेट देते हैं। तो अभी आ गया हूँ मैं सुवाकोली से आगे, और अभी हम जा रहे हैं वैसे सुरकंडा देवी टेम्पल। तो बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छी लोकेशन है। तो अगर हमको कहीं पे स्नोफॉल मिलेगा तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, और व्यू देख सकते हो आप गाइस, बहुत ही जबरदस्त। और हमारे साथ हैं सूरज भाई, जो कि आपने पहले भी काफ़ी व्लॉग में देखा होगा। तो ये हमारे साथ, हेलो, हाय। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो बता देना कमेंट में, सूरज भाई पूछ रहे हैं कैसे हो। तो बाकी आप व्यू देख सकते हो, बहुत ही अलग है, और आगे हमें स्नोफॉल भी मिल सकती है। तो दिखाते हैं, तब तक आप इस व्यू का आनंद लीजिए। पर इतनी ज़्यादा ठंड है कि मुंह से बोला भी नहीं जा रहा। तो आप इस व्यू का मजे लीजिए और दिखाते हैं फिर आपको आगे टेंपल जाके। अभी हम फाइनली पहुंचने वाले हैं सुरकंडा देवी टेंपल। तो अभी हमारे साथ कुछ दोस्त हैं और अब हम चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे, बाकी मिलते हैं आपको सीधा टेंपल पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्फ़ भी है, देख सकते हैं आप बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़, और अभी तो और भी ज़्यादा गिरने वाली है। बोलो जय माता दी, जय माता दी। और यहाँ पर देखिए इतना कोहरा लगा हुआ है यहाँ पे, साथ में तुम्हें दिखेगी थोड़ा थोड़ा बर्फ। पहुंच चुके हैं सुरकंडा देवी मंदिर में, और हमने यहाँ पर दर्शन दर्शन कर लिए हैं। और अब आपको यहाँ का एक व्यू दिखाते हैं पूरा। बाकी यहाँ पर थोड़ा बहुत स्नोफॉल भी हो रखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर स्नोफॉल है, बाकी एक अच्छा सा व्यू। आप भी दर्शन कर लीजिए सुरकंडा देवी टेंपल के। जय माता दी गाइस। और मौसम देख सकते हैं आप, बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे और काफ़ी ठंडा हो चुका है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो दर्शन कर लिए हैं और अब चलते हैं हम घर की तरफ। बाकी आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं मंदिर का। तो अब चलते हैं फटाफट से, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है और घर पर निकलना है। तो